वेलकम बैक। हाल ही में मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। वैज्ञानिक कई सालों से लगातार मंगल पर रिसर्च कर रहे हैं और उसकी रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे शोध हुए जिससे वैज्ञानिक हैरान हो गए और डरे हुए भी है, और ये वजह जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल मंगल ग्रह पर हर साल बास्केटबॉल के आकार के सैकड़ों अंतरिक्षी चट्टानें टकराती रहती हैं, जिनकी वजह से मंगल ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं। नासा के इनसाइट मिशन से मिले डेटा के जरिए वैज्ञानिकों को भविष्य में रोबोट मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों के दल को मंगल ग्रह पर कहां लैंड कराना है, इन सब की जानकारी अब तक मिलती रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि नासा ने इनसाइट मिशन को दिसंबर 2022 में ही बंद कर दिया था, क्योंकि मंगल ग्रह पर उल्का पिंडों की लगातार टकराने से और सरफेस पर आए तूफान की वजह से मिशन लैंडर अपने सोलर पैनलों से मंगल ग्रह की धूल के जवाब को साफ नहीं कर पाया। हालांकि इस मिशन के जरिए हमें इतना डाटा प्राप्त हो चुका है कि आज भी इन पर रिसर्च और स्टडी की जा रही है। इनसाइट मिशन लैंडर के साथ मार्स की सरफेस पर लैंड करने वाला पहला सीस्मोमीटर यानी कि भूकंप मापी यंत्र है, जो अपने संवेदनशील यंत्रों के साथ लैंडर से हजारों मील दूर होने वाले भूकंपीय तरंगों को डिटेक्ट कर लेता था। और इनसाइट मिशन के लैंडर ने अपने लाइफ टाइम में 1300 से ज्यादा भूकंपों का पता लगाया। और मंगल की सरफेस पर आने वाले भूकंप का सबसे बड़ा रीजन उसकी सरफेस पर पड़ने वाले दबाव और गर्मी थी, जिससे उसकी सरफेस में दरारें आ जाती। इसके साथ ही इनसाइट मिशन ने उल्का के गिरने के प्रमाण भी दिए, जिसमें छोटे धूल के कणों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानें शामिल थीं। और यही बात वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। आखिर मंगल ग्रह पर गिरने वाली चट्टानों पर मंगल के वायुमंडल का प्रभाव क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा रीजन है मंगल का वायुमंडल। क्योंकि मंगल ग्रह सोलर सिस्टम की मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के करीब है, जहां से कई बड़ी बड़ी अंतरिक्षीय चट्टानें सिर्फ मंगल ग्रह की सतह पर टकराने के लिए निकलती हैं। और मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की मोटाई का सिर्फ 1% है। मतलब जब कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही एटमॉस्फेयर के घर्षण के कारण वह आग का गोला बनकर विघटित हो जाता है। लेकिन मंगल के केस में ऐसा नहीं हो पाता। एस्ट्रॉयड बिना विघटित हुए ही मार्स की सतह से टकरा जाता है और सरफेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। और 2021 में इनसाइट मिशन के अनुसार एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह पर पहले से ज्यादा टकराने लगे हैं, जो बीते सालों से 10 गुना ज्यादा है। और विघटन न होने की वजह से सरफेस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं, और भूकंप आने की संभावना भी कई गुना तक बढ़ गई है। क्योंकि अब नासा का इनसाइट मिशन 2022 में ही समाप्त हो गया, तो 2022 के बाद मंगल की सतह पर हुए बदलाव के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। और जो लैंडिंग साइट भविष्य में होने वाली थी, हो सकता है उल्का पिंडों के टकराने से वो पहले जैसी न रही हो, जिसका वैज्ञानिकों को एक डर सा सताने लगा है। जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मार्स पर आए भूकंप को क्या कहते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।